हेलो एवरीवन। सर्दियों में अक्सर हम गुड़ की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं क्योंकि वो बड़ी हेल्दी होती हैं। हम मूंगफली की चिक्की, मुरमुरे की चिक्की जो है मार्केट से लाकर खाते हैं, जबकि ये बनाना बहुत ही आसान है। तो आज मैं आपके साथ ये बहुत इजी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो आप भी घर पर बना के इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कटोरी मुरमुरे लिए हैं और 1 कटोरी गुड़ है, इसको मैंने तोड़ लिया है, या ग्रेट भी आप कर सकते हैं। मतलब जितना गुड़ है ना उसके 3 गुना हमें यहाँ पर लिया या मुरमुरे लिए हैं। थोड़ी सी दालचीनी ली है, सौंफ ली है, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी 1 चम्मच घी भी लिया है। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम 1 चम्मच घी डालेंगे। घी इसलिए डालते हैं ताकि हमारी जो चिक्की बनती है ना उसमें एक शाइन सी आ जाती है, इसलिए थोड़ा सा घी हम इसमें डाल देते हैं। अब घी जैसे ही मेल्ट हो गया तो हमने यहाँ पर जो गुड़ को ग्रेट करके रखा था, या छोटे छोटे पीस कर सकते हैं, इसको हम डाल देंगे। और गैस की फ्लेम हमें यहाँ पर स्लो रखनी है और गुड़ को हमें मेल्ट होने तक पकाना है। देखिए धीरे धीरे गुड़ जो है मेल्ट हो जाएगा और इसको हम इस तरह से दबाएंगे। हम पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और स्लो फ्लेम पर ही हमें गुड़ को इस तरह से पकाना है। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब इसको हमें और थोड़ा सा पकाना है क्योंकि चिक्की के लिए हमें जैसा गुड़ चाहिए वैसी हमें चाशनी बनानी है। इतनी देर हम एक थाली में घी लगा देते हैं क्योंकि हम अपनी चिक्की जो है इसी थाली में जमाएंगे। यहाँ पर घी लगाकर इसको भी अलग से रख देते हैं। देखिए जैसे जैसे गुड़ हमारा पिघल गया है, पकता जा रहा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है और इसमें बबल से भी उठने लग जाएंगे, तो यही थोड़ी सी पहचान होती है। अब यहाँ पर 1 चम्मच मैंने दालचीनी का पाउडर डाला है, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर सौंठ का पाउडर डाला है, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर दरदरी कुटी हुई सौंफ डाली है। देखिए ये सारी चीज़ें डालने से हमारी चिक्की का फ्लेवर जो है बहुत ही लाजवाब बनने वाला है, बहुत टेस्टी, बाजार से भी अलग हटके बनने वाली है हमारी चिक्की आज। अब देखिए गुड़ को थोड़ा सा और पकाएंगे अभी हम, और इसमें बबल्स भी बहुत अच्छे से उठ रहे हैं। अब यहाँ पर 1 चुटकी यहाँ पर थोड़ा सा ना मीठा सोडा डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये डालने से हमारी चिक्की जो है ना बड़ी क्रिस्पी सी बनती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनानी है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हमने ये डाला इसका कलर और भी चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमने जो मुरमुरे लिए थे ना 3 गुना, ये मुरमुरे हम धीरे धीरे इसमें लइया जो है ये डाल देंगे। और अब हमें अपना हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलाना है ताकि गुड़ जो है ना अच्छी तरह से ये मुरमुरों में लग जाए, मिक्स हो जाए ये। और ज़्यादा देर इसको रखते भी नहीं है क्योंकि बहुत जल्दी ये पक जाता है। देखिए जैसे ही जल्दी से मिक्स हो जाएगा ये सारे मुरमुरों में अच्छी तरह से गुड़ की चाशनी मिक्स हो जानी चाहिए। और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे देखिए, और फटाफट से हमें जो थाली पे हमने घी लगा के रखा था ना उसमें इसको पलटना है। बड़ी जल्दी ठंडा हो जाता है, फिर ये जमता नहीं है, तो जल्दी से हमें थाली में इसको हम पलट देंगे और एक पलटे की सहायता से, और इसको हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे देखिए इस तरीके से। और इस काम को हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, देर नहीं लगानी है। और आप चाहें तो एक कटोरी भी ले सकते हैं, कटोरी से भी इसको आप इक्वल कर सकते हैं ताकि हमारी चिक्की जो है ना बिल्कुल एक शेप में बने। तो इस तरीके से थोड़े से मुरमुरे ज़्यादा होते तो ये पूरी थाली भर जाती, लेकिन थोड़े से ये कम रह गए हैं इसलिए थोड़ी सी इसमें स्पेस बच गई है। आप छोटी थाली में जमाएंगे तो पूरी जम जाएगी इस तरीके से, और इसको हम फटाफट करेंगे। और देखिए हमारी चिक्की जो है इसमें बिल्कुल अच्छे से जमने लगी है। और अभी ये ठंडा होने से पहले ही ना हम एक बड़ा नाइफ ले लेंगे, उससे कट लगा लेंगे, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये कटती नहीं है, फिर तो आप इसको वैसे ही तोड़ सकते हैं। अगर अच्छे अच्छे आपको पीस काटने हैं तो आप चाकू से इसके कट लगा लीजिए। देखिए अब ठंडी हो गई है तो हमने जहाँ पर कट लगाए थे कितने अच्छे हमारे पीस जो हैं इसके कट रहे हैं। तो देखिए बनाने में इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगा, घर पर बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ बन जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए हमारी कितनी इजी रेसिपी थी जो हम बाजार से लेकर आते हैं, इसको हम कितनी आसानी से घर में।